कानपुर में कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के कोपरगंज में मामूली विवाद पर होटल लग्जरी इन के कर्मचारियों ने प्रिंस होटल में काम करने वाले अमन वाजपेयी की राड से पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। ये घटना देर रात की बताई जा रही है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इतना ही नहीं, हमलावरों की तलाश में पुलिस ने कई जगह दबिश भी दी। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर बहस के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। वहाँ पर मौजूद सह कर्मचारियों ने उसे उर्सला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर कलेक्टरगंज और बादशाही नाके का फोर्स मौके पर पहुंचा था, लेकिन तब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने आरोपितों की तलाश फिलहाल शुरू कर दी है। देखिए, संज्ञान में आया है कि कल रात में, देर रात में एक झगड़ा हुआ था, जिसमें दो होटल संचालकों के बीच में और उनके स्टाफ के बीच में झगड़ा हुआ। जो अमन वाजपेयी है, उसको दूसरे होटल जो न्यू लग्जरी है, उसके मालिक और उनके वर्कर्स के द्वारा पहले कहा सुनी हुई और उसके बाद उन्होंने उसकी मारपीट करनी शुरू की, जिसमें एक किसी ने उसके लोहे की रॉड सर में मारी, जिसके बाद इलाज के दौरान जब उसको लेके गए तो हेलेट में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें मुकदमा दूसरे होटल संचालक के खिलाफ, उनके मालिक के खिलाफ, उनके स्टाफ के खिलाफ लिखा गया है। 8 लोगों को हिरासत में लेके उनसे पूछताछ की जा रही है और 4 टीमें गठित की गई हैं। जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी होगी और इनके मध्य इन्हीं होटल्स को ले चलाने को लेकर और लीज पे लेने को लेकर विवाद था। इसमें बहुत जल्दी से कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बादशाही नाका थाना क्षेत्र के नौगढ़ा निवासी अमन वाजपेयी कोपरगंज स्थित प्रिंस होटल में काम करते हैं। शुक्रवार देर रात वो घंटाघर से अंडे लेकर वापस होटल पर पहुंचे, तभी किसी बात पर पड़ोस के होटल लग्जरी इनके कर्मचारियों से उनकी बहस हो गई। आरोप है कि कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अमन पर लोहे की रॉड और डंडे से हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट आने से अमन लहूलुहान होकर गिर पड़े। इसके बाद होटल मैनेजर और अन्य लोग वहां पहुंचे। सह कर्मचारियों ने गंभीर हालत में अमन को तुरंत उर्सला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस प्लस के लिए कानपुर से अविरल गुप्ता की रिपोर्ट।